सो हेलो गाइस, वेलकम टू गेमिंग चैनल एनजी अंकुश गेमिंग। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ग्रैंड मास्टर पुश कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बंदे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में आइकन ऑन कर दो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टीम बनानी होगी जिसमें एक पीसी प्लेयर खास कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा हैकर भी आजकल गेम में ज़्यादा आ रहे हैं, पता ही है आप लोगों को। हैकर के वजह से लोगों का सीएस पुश करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए सबसे बढ़िया ट्रिक के एक पीसी प्लेयर लो आजकल, क्योंकि सबको पता है ग्लिच यूज़र आज बहुत कर रहे हैं। आप भी वही पुश करें, उससे आईडी बैन होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी लेजेंड मतलब 1460वें नंबर पे आ गया हूँ ग्रैंड मास्टर में, देख सकते हो। बट हो सके मैं भी इस बार लेजेंड पुश करूँगा। अगर किसी को मेरे साथ खेलने का लेजेंड पुश करना हो, खेलने का मन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना, अपनी यू आई डी भी भेज देना, मैं उसके साथ पुश करा दूँगा ग्रैंड मास्टर। तो सबसे पहले अपनी एक स्क्वाड होनी चाहिए, अगर कोई स्क्वाड नहीं है तो खास कर एक ग्रुप में पीसी प्लेयर होना चाहिए, और मेन मेन पॉइंट एक बंदा होना चाहिए जो बात सुन के। अगर कोई बंदे का कोई प्लेयर का अगर तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नहीं बनेगा तो फिर कोई भी गेम जीतना मुमकिन ही नहीं होगा गाइस, कोई भी गेम जीतना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा होता है कोलैबोरेशन बनाता है। बट हेलो, अरे समाद भाई अभी नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है आप खेल लो। चलो को जैसा कि मैंने कहा, कोलैबोरेशन बंदों का होना चाहिए, अगर बिना कोलैबोरेशन का कोई भी बंदा ग्रैंड मास्टर नहीं पुश कर सकता। नहीं, मैंने भी 3-4 दिन के अंदर 135 स्टार कर लिया है, हो सके तो इस बार मैं रीजन के टॉप 100 में ज़रूर जाऊँ, क्योंकि मैंने इस बार ग्रैंड मास्टर जाने की ठानी है। पिछले बार भी ग्रैंड मास्टर गया था, बट टॉप 300 के अंदर गया था। इसलिए लेने और दो टीममेट्स ऐसे होने चाहिए जो आपका बात सुनते थे, चाहे आपके गेम में हैकर भी क्यों ना हो, हैकर को मानना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हैकर को मानना है तो टीम का कोलैबोरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन नहीं होगा तो कोई भी बंदा ग्रैंड मास्टर नहीं पुश करता, चाहे ग्रैंड मास्टर के मास्टर भी नहीं पुश कर सकता, मेन बात है ना। इसीलिए कभी भी अगर किसी को भी ग्रैंड मास्टर या लीजेंड पुश करना हो, टीम एक टीम का कोलैबोरेशन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत साथ मिलता है ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। चलो फिर इसी के साथ वीडियो में एंड देते हुए फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।